बेटे ने 70 साल की माँ को घर से निकाला। पुलिस वाले ने कहा, आज से मैं आपका बेटा हूँ। पुलिस वाले के लिए एक लाइक तो बनता ही है। ये मामला कानपुर जिले के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के दादा नगर इलाके का है। घर से निष्कासित 70 साल की ये बुजुर्ग महिला रिटायर्ड शिक्षिका है। इस महिला के दो बेटे हैं, मनोज चौरसिया और राकेश चौरसिया। मनोज चौरसिया की मां रोते बिलखते हुए थाने पहुंची। थाने में रोते हुए मनोज की मां ने बताया कि धन संपत्ति को लेकर उनका बड़ा बेटा मनोज और उनका परिवार उन्हें हमेशा परेशान करता है। बुजुर्ग महिला ने यह भी बताया कि मनोज का परिवार उनको परेशान करने के साथ साथ मारपीट और गाली गलौज भी करता है। महिला ने कहा कि बीते कई साल से मेरे साथ ऐसी प्रताड़ना हो रही है, लेकिन मैं उसको लगातार सहन कर रही हूँ। मनोज की मां ने बताया कि मेरा बेटा मनोज इतना बेकाबू हुआ कि उसने मुझे अपने घर से ही निकाल दिया। इसके बाद मैं थाने आ गई। थाने पहुंचकर मनोज की मां ने अपने साथ घटित इस घटना की पूरी जानकारी गोविंद नगर थाना के इंचार्ज रोहित तिवारी को बताई। रोहित को ये प्रकरण सुनाते वक्त महिला फूट फूट कर रोने लगी। इस पर थाना प्रभारी ने उनको गले से लगा लिया और एक मानवीय चेहरा दिखाते हुए यूपी पुलिस के इस प्रभारी ने कहा कि मां जी, मैं आज से आपका बेटा हूँ, रोइए मत, चुप हो जाइए आप। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, आपका ये बेटा आपको न्याय दिलाएगा। गोविंद नगर थाना के प्रभारी रोहित तिवारी ने इस घटना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 70 साल की इस महिला की शिकायत पर बड़े बेटे मनोज चौरसिया के खिलाफ चालान कर दिया। थाना प्रभारी रोहित तिवारी यहीं नहीं रुके, उन्होंने बुजुर्ग महिला के घर कुछ पुलिस वालों को भेजकर बेटे मनोज को थाने बुलवा लिया और उसे डांट फटकार लगाई। थाना प्रभारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर माँ को अगली बार परेशान किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद मनोज ने अपनी मां को अपने साथ घर पे रख लिया और अच्छे से ले गया। यूपी पुलिस के इस मानवीय कार्य को लोग खूब सराह रहे हैं। आपका इस पुलिस वाले के बारे में क्या कहना है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।